देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रघुवीर सोल्ड अ हाउस ऑन 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को वो घर बेचा 25 लाख रुपए में, जिसको वो खरीदा था 1 नवंबर 2005 को 6 लाख रुपए में। वो घर के लिए 2% ब्रोकरेज दिया है बेचने के ऊपर, मतलब बेचा तो 2% ब्रोकर को कमीशन लगा उसको। यस सर। और बोल रहा हूँ 31 मार्च 2023 फॉर ही परचेज अनदर हाउस, और उसी दिन वो एक और घर खरीद लिया 15 लाख रुपए में। तो पुराना घर बेचा, एक नया घर खरीद लिया। आपको बोल रहा है असेसमेंट ये 2023-24 का, उसका कैपिटल गेन निकाल के बताओ। तो अंकिता कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या होता है? पहला बात तो ये लॉन्ग टर्म हो रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है? सर शॉर्ट टर्म। अंकिता डेट देखो, 2005 में खरीदा, 2023 में बेच रहा है। सर लॉन्ग टर्म। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना टाइम में लॉन्ग टर्म होता है? हाउस प्रॉपर्टी अगर हो अंकिता अपना, 12 महीना 24 महीना 36 महीना तीन क्राइटेरिया होता है लॉन्ग टर्म देखने का। हाउस प्रॉपर्टी मोबाइल प्रॉपर्टी है वो 24 महीना वाला क्राइटेरिया में आता है। 24 महीना से कम अगर रख के बेचे हैं तो शॉर्ट टर्म, 24 के ऊपर तो लॉन्ग टर्म। तो ये सम क्या बोल रहा है? रघुवीर सोल्ड हाउस ऑन 1 जनवरी 2023, 25 लाख में बेचा, 1 नवंबर 2005 को खरीदा था 6 लाख में, उस घर के ऊपर 2% ब्रोकरेज भी दिया है वो, और एक नया घर खरीद लिया उसी पैसे से 15 लाख में। ये नया घर वाला चीज अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम एग्जम्पशन वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, कि कहीं और इन्वेस्ट कर दे तो वो एक बार इग्नोर मारना, लेकिन कैपिटल गेन निकालने तक तो सॉल्व हो सकता है। तो अंकिता ऐसे बेसिक्स भूल हो गए तब तो दिक्कत का बात है। तो यहाँ पे तो सॉल्व करते हैं। सर सेल कितना में किया? 25 लाख। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल वैल्यू, सेल प्रोसीड्स 25 लाख। उसके बाद बोल रहा है उसका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2% ब्रोकरेज लगा है 25 लाख का 2% 50,000। तो 50,000 एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस किया तो नेट सेल कंसिडरेशन आया 24,50,000। अब वो घर 6 लाख में खरीदा था आपको, यहाँ पर आपके ये 2022-23 जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स कितना है? 331। और ये खरीदा कब है? 2005-06 में खरीदा था। आपको इस सम में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में आपको इंडेक्स दे देगा, सम में नहीं दिया है लेकिन आपको एग्जाम में इंडेक्स दे देगा। तो हम आपको व्हाट्सएप पे जो इंडेक्स का चार्ट शेयर किया था उसको अगर खोले 2005-06 का इंडेक्स चेक कर सकते हैं वहां से हम लोग। सर 117 है। हाँ 117 है। 117 से डिवाइड करो और 331 से मल्टीप्लाई करो, 6 लाख करंट ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो बेस ईयर के इंडेक्स से, इसलिए कहीं देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ तो मल्टीप्लाई करोगे तो 16,97,436 आएगा। वो माइनस कर लो क्योंकि उतना आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। 16,97,436 वो माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और आपको वो तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ घर का मतलब। तो आपका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 752,564। ठीक है। अब इसके बाद ये बोला था जो नया घर खरीद दिया 15 लाख में, ये वाला पार्ट अभी आप इग्नोर करोगे कि हम आपको अभी एग्जाम्पशन नहीं पढ़ाए। अभी आप मान लो जितना कैपिटल गेन किया उतना पूरा छूट नहीं लिया, टैक्स कुछ नहीं देना पड़ेगा। सर कैसे पूरा छूट नहीं लिया? वो सब रूल पढ़ेंगे जब एग्जाम्पशन करो। अभी ये समझ लो कि आपको सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन मिला और पूरा ही बच गया। आप अभी केवल यहीं तक सीख रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रीमती दास फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23।
डेट ऑफ परचेज एक बिल्डिंग है और शेयर है, दो चीज का बात कर रहे हैं। बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म कब होगा? बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का रूल क्या है? 24 महीना, अभी तो ऊपर सॉल्व किए। और हाउस शेयर्स के लिए 12 महीना, अगर लिस्टेड शेयर है तो 12 महीना, अनलिस्टेड है तो 24। सर बोला नहीं है लिस्टेड ही मानेंगे, क्योंकि जहाँ पे शेयर लिस्टेड ही होता है। तो देखो यहाँ पे बोला घर जो है वो खरीदा था 15-8-2010 को, बेचा 20-9-2022 को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 7,27,500 और उसको बेचा है 16 लाख। सर पहले घर का सॉल्व करेंगे फिर बाद में शेयर का करेंगे, तो चलो घर का सॉल्व करो। नील नहीं रहेगा ब्रोकर, अपने से डायरेक्ट बेच दिया होगा, ब्रोकर नहीं रखा होगा। हम तुमको जानते हैं, तुमको डायरेक्ट घर बेचे, हमने भी किल ब्रोकर है। और यही हमको नहीं पता था भाई कोई खरीदार मिल नहीं रहा है, तो हमें ब्रोकर पकड़ते थे, ब्रोकर तो ब्रोकरेज एक्सपेंस दे देगा तो माइनस करो, नहीं देगा तो नहीं। सर ब्रोकरेज नील हो गया, 16 लाख में बेचा है, तो देखो सेल प्रोसीड लिख के 16 लाख, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यानी ब्रोकरेज नील, तो यानी नेट सेल कंसिडरेशन भी 16 लाख। अब ये घर कब खरीदे थे हम? सर 15-8-2010, 7,27,500 में, मार्च 15-8-2010 यानी 10-11। तो 10-11 का इंडेक्स देखो, 10-11 का इंडेक्स 167, तो मल्टीप्लाई करेंगे करेंट ईयर के इंडेक्स से, डिवाइड करेंगे 167 से। सर ये तो याद करना पड़ेगा क्या लिस्ट? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में आपको देगा, चिंता का बात नहीं। तो आया 14,41,931, तो मेरा घर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आया। अब शेयर से देखते हैं, शेयर खरीदा था 10-10-2012 को, बेच दिया 15 मार्च 2023 को। सर शॉर्ट टर्म है, एक साल के पहले पहले बेच दिया, देख लो अक्टूबर 2012 में लिया, तो अक्टूबर 2012 में लॉन्ग टर्म 11 साल बाद, एक साल से ऊपर लॉन्ग टर्म होता है। खरीदा कितना में था? 20,000 में, बेचा कितना में? 1 लाख में, 1 लाख। तो सर वही कहिए, सेल प्रोसीड्स लिखी है 1 लाख, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है नहीं, यहाँ पे भी ब्रोकर बताया नहीं है कुछ, 1 लाख की नेट सेल कंसिडरेशन। अब कब खरीदा था? 2012, ये देखना पड़ेगा कौन सा महीना, अक्टूबर 2012 यानी 12-13। तो 12-13 का इंडेक्स देखो 200 है, तो 200 से डिवाइड किया, 331 से मल्टीप्लाई किया 20,000 को, तो मेरा आ रहा है 33,100। तो 1 लाख में बेचा था 33,100 का सामान है, तो 66,900 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों जोड़ के टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,24,960। एक और समझ करते, मिस्टर आर परचेज अ हाउस ऑन 12-2-97, बहुत बढ़िया सम, 2001-2 के पहले का है, सर तो इंडेक्स कितना लेंगे? सर 36 अंकिता, कुछ भी रिवाइज नहीं की, 2001-2 के पहले का कोई भी सामान हो तो 2001-2 का इंडेक्स लेते हैं। पहला ईयर का इंडेक्स 2001-2 का 100 था, हम दो ही इंडेक्स याद करने बोला था, 2001-2 का इंडेक्स 100 और 2022-23 331। अच्छा वैल्यू कौन सा लेंगे? 2001-2 के दिन जो वैल्यू है और मेरा परचेज प्राइस, दोनों में विच एवरेज हायर, तो हम खरीदा था 3,40,000 में, जबकि 2001-2 का वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख लेंगे परचेज प्राइस। उसको बेचा कब? सर 5 फरवरी 2023, कितना में बेचा? 20 लाख में, ब्रोकरेज दिया है 2%। तो 5 लाख में 2% माइनस करेंगे ना? नहीं नहीं, सेल वैल्यू पे लगेगा ब्रोकरेज। अरे भाई तुम बेचा तो इस साल ना ब्रोकरेज दिया है, तो 20 लाख सेल प्रोसीड्स
हाँ 20 लाख पे 2%, तो 20 लाख की सेल प्रोसीड, 20 लाख का 2% आएगा 40,000, माइनस किए तो आया 19 लाख 60,000 नेट सेल कंसिडरेशन। अब खरीदे में तो सर 5 लाख कॉस्ट लेंगे, डिवाइड करेंगे बेस ईयर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 331 से, तो मेरा आएगा 16,55,000 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 3,05,000। ये जनरल में आया हुआ संस्था, बट हम बेसिक प्रैक्टिस कराने के लिए जानबूझ के कराया। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर ऑनर्स पेपर पे, मोटा मोटी सेम ही संस्था, दिक्कत नहीं है। मिस्टर मित्रा पंडित द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बोल रहे, ही सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 दिसंबर 2022, कितना में बेचा है 7,70,000 में सर। ही परचेज हाउस ऑन मार्च 2, 1998 में 75,000 में खरीदा था, जिसका फेयर वैल्यू 2001 में 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख और 75 हायर कॉस्ट लेंगे और इंडेक्स लेंगे 100। तो पहले हाउस को सॉल्व कर लो सर, 7,70,000 में बेचा है तो लिख लो सेल कंसिडरेशन, सब ब्रोकरेज नहीं दी है तो नहीं लिख लो, तो आ गया नेट सेल कंसिडरेशन 7,70,000 सर। इंडेक्स कॉस्ट तो विचेबर इज हाई लेते हैं कॉस्ट, तो 1.5 लाख लिए कॉस्ट, मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर का इंडेक्स यानी 100 2001 का इंडेक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर का इंडेक्स 331, डिवाइड करेंगे बेस ईयर के इंडेक्स 100 से, तो मेरा कॉस्ट आया 4,96,500। तो 7,70,000 मेरा नेट सेल है, कॉस्ट है 4,96,000, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,73,500। वैसे ही बोला यहाँ पे उसकी सोल्ड शेयर ऑल्सो, कब बेचा सर 12 फरवरी 2023 को, कितना में बेचा 18,700 में, कब खरीदा था मार्च 21, 2022, ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि मार्च 21, 2022, तो मार्च 21, 2023 को एक साल पूरा होता है शेयर का, और शेयर एक साल से नीचे शॉर्ट टर्म, एक साल के ऊपर लॉन्ग टर्म, तो ये सर शॉर्ट टर्म है। कितना में बेचे सर 15,300, तो चलो सॉल्व करते हैं सर, बहुत आसान हो गया, 18,700 में बेचे, ब्रोकरेज कुछ है नहीं तो नील, तो नेट सेल 18,700 सर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पर इंडेक्स नहीं लगेगा, तो जितना कॉस्ट में खरीदे थे बस वही माइनस कर लो, कुछ इंडेक्स में कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है। 15,300 कॉस्ट माइनस किए, शेयर से गेन हुआ 3,400। शेयर से जो प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट टैक्स रेट है 15%। चलो एक और सेंस करते हैं, मिस्टर बबलू एक्वायर्ड है ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म, अंकिता बोलो ज्वेलरी मतलब कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म सर, 12 आप रिवाइज कर गया है पिछला क्लास ही जो सुने थे उसी के रेस्पेंसर कर रहे हैं, हम सब बताया जल्दी, हम 12 महीने 24 महीने 36 महीने का जो लिस्ट दिया था वो लिस्ट रिवाइज करके आया तो पिछला क्लास सुना हुआ बता रहे। मूवेबल एसेट 36 महीने के ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 36 महीने के नीचे शॉर्ट टर्म। आप लोग अगर नोट्स नहीं रिवाइज करके आओगे तो कोई फायदे में नहीं हो। ज्वेलरी बेचा है 7,000 में, खरीदा था 7,000 में, कब 17/1995 को, यानी सर 2001-2 के पहले, और 1/7/2005 मिस्टर बबलू ए स्वेन अब डायमंड वर्थ ₹25,000। लो इस सब इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ज्वेलरी खरीदा था 60,000 में, उस पर डायमंड लगवाया 25,000 का, तो ये इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लगेगा क्योंकि डायमंड कब लगाया 2005 में। एज ऑन 1/6/2022 मिस्टर बबलू सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 8 लाख रुपए, 8 लाख में ज्वेलरी को बेच दिया, ब्रोकरेज दिया 1% ऑन सेल, ब्रोकरेज दिया 1% ऑन सेल, ये ज्वेलरी खरीदा था 1795 को, हमको 2001 का भी उसका फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 2 लाख,
हम खरीदा था 60 में और 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख, पीछे वाली साइड लेंगे तो 2 लाख लेंगे कॉस्ट। चलो कैपिटल गेन कंप्लीट करते हैं उसका। सेल कंसिडरेशन 8 लाख, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1% ब्रोकरेज भी 8 लाख का 8,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन 792। अब इंडेक्स कॉस्ट, पहले तो कॉस्ट परचेज पे लगाओ, तो 2,00,000 × 331/100, क्योंकि 95 में खरीदा हुआ है तो 2001/2002 का इंडेक्स लगेगा 662। और इंप्रूवमेंट कब कराया था ज्वेलरी को सर? 2005-06 में 25,000 रुपया खर्चा किया है, तो 2005 से 2022-23 ये भी लॉन्ग टर्म है सर, 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है ज्वेलरी में सर। ये 2005 से 2022 18 साल का बात कर रहा, तो लॉन्ग टर्म है, तो मल्टीप्लाई किए 2331 यानी करंट ईयर का इंडेक्स से और डिवाइड करेंगे 5-6 के इंडेक्स से 117, तो आया 70,726। तो टोटल 8 लाख में बेचे थे, 8,000 का ब्रोकरेज दे दिए, 7,92,000 का नेट सेल हो रहा है, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों माइनस कर लिए, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 59,274। अगला सम, अमल मित्रा हैज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1/7/2022 और 15 लाख बेचा है। द हाउस वॉज परचेज ऑन 1/6/1999 सर, 2001/2002 के पहले 30,000 में खरीदा था, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को दिया हुआ 50,000, पीछे बड़ी हाय लेना है मतलब 50,000 लेंगे। ड्यूरिंग द 2008-09 ही कंस्ट्रक्टेड 2 more rooms, इम्प्रूवमेंट किया घर का, 2 नया रूम बना लिया घर में और 1.5 लाख खर्चा किया है। जब बेचा तब 2% ब्रोकरेज लगा, तो सेल कंसिडरेशन कितना में बेचा है घर? 15 लाख, तो 15 लाख लिखे, 2% ब्रोकरेज 15 लाख का 30,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ रहा है 14,70,000। अब कॉस्ट क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सर, जितना में आप खरीदे या जितना 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू, विचेवर इज हायर, तो सर 50,000 लिए, मल्टीप्लाई किए 331/100, ठीक है, तो मेरा आया 165,500। और सर घर को रो रूम बनाया था, कब बनाया? 2008-09 में, तो 8-09 का इंडेक्स कितना है? 8-09 का इंडेक्स है 137, तो 1.5 लाख × 331/137, तो ये भी आ गया 362, तो 14,70,000 में से दोनों माइनस किए तो 9,42,091 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल। सर पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर, ऑलमोस्ट एक ही जैसा समसार है, आपको ऐसे ही 2 एसेट का सम दे देगा और ये मोटा मोटी 10 से 12 नंबर का सम होगा, इसमें नंबर खोना मतलब क्राइम है। चलो एक और सम करते हैं, ऑन 25/10/2022 डिम्पी सोल्ड शेयर्स इन अ कंपनी फॉर 4,60,000, शी एक्वायर्ड द शेयर ऑन 12/8/2010 सर, लॉन्ग टर्म है 1 साल से ज़्यादा है, 1,21,000 में खरीदा था, ब्रोकरेज दिया था इसके ऊपर 4,500, उसी पैसे से वो एक घर खरीद ली सर। ये आ जाएगा आपका वो एग्जम्पशन वाला पार्ट, वो नेक्स्ट क्लास में जब खत्म करेंगे तब समझ में आ जाएगा, अभी उसको इग्नोर करो, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने पे ध्यान दो। तो सर बेचा 4,60,000 में, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर क्वेश्चन में बोला है 4,500 खर्चा किया है तो माइनस कर लो, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 4,55,500। सर घर खरीदा था कब? शेयर खरीदा था 12/8/2010 यानी 10/11 का इंडेक्स से डिवाइड कीजिए और करंट ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, 10/11 का इंडेक्स उस चार्ट में देखोगे 167 दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करो 331 से, डिवाइड करो 167 से, तो कॉस्ट आ गया 2,39,826। इम्प्रूवमेंट शेयर में सर कोई इम्प्रूवमेंट हो भी नहीं सकता, तो नील लिखे आप नहीं भी दिखाते तो चलता, तो आपका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 2,15,674।
सर एग्जेम्पशन वाला पार्ट तो भी हुआ नहीं। नहीं वो अभी नहीं बात करेंगे। तो मोटा मोटी सारा सेम सब सेम ही है एकदम। दो लाख पंद्रह हजार 674 का गेन आ रहा है। अब उसको एग्जम्पशन माइनस करके सेक्शन 54 का वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वही खत्म होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा और दो तीन सम बचा है, फटाफट निपटा लो। स्टेट वेदर अभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम आर कैपिटल एसेट और नॉट। ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? फर्नीचर एंड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट नहीं है सर। पर्सनल यूज का फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं होता सर। तो देखो आंसर आया नो। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन म्यूनसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 22,000। म्यूनसिपैलिटी मतलब अर्बन एरिया का लैंड है सर। रूरल एरिया का लैंड है, रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, वो कैपिटल एसेट नहीं होता। लेकिन अर्बन एरिया में हो तो होता है। देखो इसका आंसर था यस। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस पर्पज सर, स्टॉक पहला ही एक्सेप्शन है, स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं। सो बेटा जी ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो अगला क्वेश्चन। मिस्टर बाली फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक तो रेसिडेंशियल घर और एक गोल्ड का, दो एसेट का सम्स है। ये आएगा आपके एग्जाम में मोटा मोटी 15 नंबर। तो आपको बोला है खरीदा कब? December 10, 2012 को। कितने में खरीदा? 6 लाख में। बेचा कब? 2023 में सर, लॉन्ग टर्म है। कितना में बेचा? 36 लाख में, 2% सेल प्रोसीड से। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व हो जाएगा ये सर। बेचा 36 लाख में, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2% लगा 72,000, तो नेट सेल हुआ 3528 सर। इंडेक्स लगा लीजिए, 6 लाख में खरीदा था कब सर? खरीदा था 2012-13 में। 12-13 का इंडेक्स 200, डिवाइड करो 200 से, मल्टीप्लाई करो करंट ईयर 331 सर। इम्प्रूवमेंट नहीं कराया घर का कोई, तो वही कैपिटल गेन हो जाएगा माइनस करने से। तो 3528 में से 993 माइनस किए, कैपिटल गेन आ गया 25,35,000। एग्जम्पशन वाला पार्ट अभी पढ़े नहीं है सर, बात मत की। गोल्ड पे आ जाओ अब। सर गोल्ड बेचा, खरीदा था 15 अप्रैल 2008 को, यानी 8 माह में। बेचा 22 में सर, 3 साल के ऊपर गोल्ड लॉन्ग टर्म होता है, 36 महीने वाला क्राइटेरियम आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ठीक है ना सर। वैसे भी बहुत लॉन्ग टर्म, 8 से 22, तो चिंता नहीं। तो सर बेचा 25 लाख में, खरीदा था 8 लाख में। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कराया, कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगा गोल्ड में, कोई ब्रोकरेज नहीं लगा अभी। तो 25 लाख में बेचा है तो 25 लाख लिखो, ब्रोकरेज नील, तो 25 लाख की नेट सेल कंसिडरेशन। अभी 8 लाख में खरीदा था कब सर? 2008-09 में। 8-09 का इंडेक्स से डिवाइड करो, करेंट ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, 137 से डिवाइड 331 से मल्टीप्लाई, तो 19,32,847 कॉस्ट है। तो 25 लाख में से 19,32,000 गया, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 567। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा होगा, सब सम एक ही जैसा है। तो अगला 2-3 सम हम नहीं बना रहे, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला 2-3